Now let me just move towards the second theory. The second theory is about the Herzberg's two factors theory. Kya yahan pe kya hai? The Herzberg's two factors theory is also known as the dual factor theory or motivation hygiene theory of motivations. कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, द हर्ज़बर्ग्स क्रिएट दिस पर्टिकुलर थियरी ऑफ मोटिवेशंस बेस्ड ऑन द वन सर्वे. कि भाई उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के अंदर उन्होंने क्या किया, दे जस्ट आस्क द 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स ऑफ 9 डिफरेंट कंपनी. कि भाई 9 डिफरेंट कंपनी में जाके यूएसए के अंदर उन्होंने सर्वे किया और 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट को वो लोग मिले और उनके साथ डिस्कस किया. व्हाट दे आस्क फॉर, कि भाई उन्होंने क्या बोला कि भाई दे आस्क फॉर आइडेंटिफाई द सिचुएशंस वेयर यू फील हाईली हैप्पी और द सिचुएशंस वेयर यू फील हाईली अनहैप्पी, द थिंग्स विच यू मेक, द थिंग्स विच यू लाइक एट द वर्क प्लेस और थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक एट द वर्क प्लेस. तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, वेरियस डेटा कलेक्ट किया कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर बनाया होगा और ये लोगों के साथ उन्होंने मिलकर पर्सनल इंटरेक्शंस किया और उसके बेसिस पे उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो उनको क्या है हैप्पी करती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अनहैप्पी करती है. सो बेस्ड ऑन दैट दे आइडेंटिफाई देर आर द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ द जॉब विच इज गोइंग टू मेक अ इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कि भाई वो बंदा सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है, वो चीज़ जो है सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन को उसको क्या है ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. सो इन दिस वे उन्होंने दो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि जिसके माध्यम से हम क्या है समझ सकते हैं कि भाई बंदा कब मोटिवेट होता है और कब डीमोटिवेट होता है. सो क्या किया, सबसे पहले ये फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर है तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि भाई हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर्स थियरी कैसे एग्जिस्टेंस में आई. तो भाई हर्ज़बर्ग्स ने सबसे पहले क्या किया, सर्वे किया, 200 लोगों का सर्वे किया यूएसए के अंदर और उन्होंने वहाँ पे लोगों को पूछा कि भाई कौन सी चीज़ आपको हैप्पी करती है, कौन सी चीज़ आपको अनहैप्पी करती है, वर्क प्लेस पे क्या आपको अच्छा लगता है, वर्क प्लेस पे कब आपको अच्छा नहीं लगता है. सो इन दैट वे दे जस्ट कलेक्ट द डेटा एंड बेस्ड ऑन द डेटा दे आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एट द वर्क प्लेस एंड दिस टू फैक्टर्स आर hygienic factor and motivator factors. So let me just go in detail and understand कि भाई ये hygienic factors क्या है, motivator factors क्या है और अगर ये present और absent होंगे तो उसकी impact क्या होगी कि भाई वो particular factors से बंदा satisfied होगा dissatisfied होगा, क्या है क्या नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पर समझना चाहते हैं. तो first one will be the hygiene factors. कि भाई hygiene factors क्या है, so these are the factors which are not intrinsic part. कि भाई वो सारे क्या है extrinsic factors है, मतलब these all are the factors are not intrinsic part of the job. कि भाई जो बंदा जो particular काम कर रहा है उसके core job वाले factors नहीं है, उसके related चीजें नहीं है. The hygiene factors refers the factors which are related to the environment in which the particular job is going to be take place. कि जो एनवायरमेंट के अंदर काम हो रहा है वो एनवायरमेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स है उसको हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, उसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं. सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब हाइजीन फैक्टर्स के जो पर्टिकुलर जॉब से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है बट वो जॉब को इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं. कि भाई वो जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है, कौन से एनवायरमेंट में हो रहा है, वो चीजें क्या है हाइजीन फैक्टर्स रिप्रेजेंट करती है. नाउ क्या बोला यहाँ पे कि भाई क्या होगा एज एन मैन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर ये हाइजीनिक फैक्टर्स आर प्रेजेंट, कि अगर ये हाइजीनिक फैक्टर्स प्रेजेंट है देन इट विल नॉट गोइंग टू मोटिवेट. कि भाई हाइजीनिक फैक्टर्स प्रेजेंट होने से बंदा मोटिवेट नहीं होगा बट if it is not present then the particular person is going to be dissatisfied demotivated. So in that way kya hai hygienic factors ko aapko maintain rakhna hai. Agar hygienic factors nahi honge to kya hoga,
लोग डीमोटिवेट होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे. और हाइजीनिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हाइजीनिक फैक्टर्स आर द कंपनीज पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर्स, द वर्किंग कंडीशंस, द सैलरी, द रिलेशनशिप विद द पीयर्स, द पर्सनल लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट्स, द स्टेटस ऑफ द रोल इन द वर्क प्लेस एंड इवन जॉब सिक्योरिटी. तो ये सारे क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है कि जो पर्टिकुलर जॉब से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं बट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं. बट क्या होगा, ये अगर फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, बंदा डीमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाइड होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी. बट अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट है तो इट विल नॉट मोटिवेट समवन, कि भाई वो प्रेजेंट होगा तो मोटिवेट नहीं करेगा, बट क्या है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको डीमोटिवेट नहीं करेगा. तो दैट्स व्हाई ये सारे जो फैक्टर्स है वो क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए वर्क प्लेस पे, एनवायरनमेंट के अंदर सही तरीके से होने चाहिए. कि फॉर एग्जांपल कि भाई कंपनीज पॉलिसीज, कि भाई कंपनी के अंदर प्रमोशनल पॉलिसीज जो है अगर वो सही तरीके से फ्रेम नहीं की गई होगी और वहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं है तो क्या होगा, कि भाई प्रमोशंस के टाइम पे क्या है, भाई भतीजावाद होगा और जो पर्टिकुलर मैनेजर उसको बंदा अच्छा लगता है उसके रिलेशंस में है उसका प्रमोशन हो जाएगा, बट जो बंदा अच्छा काम कर रहा है वो रह जाएगा. तो प्रमोशनल कंपनी पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज अगर नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, सही तरीके से नहीं है, तो क्या होगा, बंदा डीमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, कि भी उसको लगेगा कि ये तो इनजस्टिस है, कि भाई मैंने अच्छा काम किया था बट फिर भी क्या हुआ, प्रमोशन के टाइम पे उसके चाचा का लड़का था एंड बिकॉज ऑफ दैट कि भाई उसका प्रमोशन हो गया बट मेरा नहीं हुआ. सो द पर्टिकुलर फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज गोइंग टू डीमोटिवेट समवन, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिससेटिस्फेक्शन फॉर हिम और हर. बट इफ इट इज देयर देन यू आर नॉट गोइंग टू पुट मोर एफर्ट्स. कि भाई कंपनी के अंदर अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है, कंपनी के अंदर सारी जो पॉलिसीज है वो वेल फ्रेम्ड है और वेल डॉक्यूमेंटेड है, देन इट इज नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू. बट वो आपको डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करेगा कि भाई कंपनी की सारी पॉलिसी अच्छी बनी हुई है तो मैं और अच्छा काम करूंगा, ऐसा नहीं होगा. तो ये हाइजीनिक फैक्टर्स जो है वो क्या है, एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है कि जो पर्टिकुलर जॉब के साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और अगर वो फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज डीमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, बट अगर प्रेजेंट है तो क्या है, बंदा मेंटेन रहेगा, मोटिवेट नहीं होगा बट न्यूट्रल रहेगा, डीमोटिवेट नहीं होगा. सेम वे द हस्बैंड्स आल्सो आइडेंटिफाई द अनदर फैक्टर्स, दैट इज मोटिवेटर फैक्टर्स. मोटिवेटर फैक्टर्स क्या है? मोटिवेटर फैक्टर्स रिफर्स ऑल दोज फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द जॉब. कि भाई जॉब से डायरेक्टली ये सारे रिलेटेड है कि जो कोर जॉब वो बंदा कर रहा है उसके काम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. एंड दैट्स व्हाई क्या होगा कि अगर ये सारे फैक्टर्स एग्जिस्टेंस में है, आप यूज करते हो, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मोटिवेट देम. तो मोटिवेटर फैक्टर्स जो है वो आप जब उनको दोगे तो वो बंदा क्या है, मोटिवेट होगा, सेटिस्फाइड होगा, उसका काम एनहेंस, परफॉर्मेंस एनहेंस होगा. बट इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट यूज, देन इट इज नॉट गोइंग टू डीमोटिवेट समवन. तो मोटिवेटर फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स है, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब है, कि अगर उसको आप यूज करोगे तो बंदा मोटिवेट होगा, बट अगर वो यूज नहीं करोगे, नहीं है, देन वो डीमोटिवेट नहीं होगा. सो इन दैट वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेटर फैक्टर्स एंड हाइजीनिक फैक्टर्स. मोटिवेटर फैक्टर्स कौन कौन से है? तो फैक्टर्स लाइक अचीवमेंट इन द कंसर्न जॉब, रिकॉग्निशन एट द वर्क प्लेस, वर्क इटसेल्फ, इंटरेस्टेड टास्क, द अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडवांसमेंट, ग्रोथ, प्रमोशंस विद इन द वर्क प्लेस. तो दिस ऑल आर द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब, कि भाई जॉब से, परफॉर्मेंस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर वो बंदा अच्छा काम करता है, देन वी आर गिविंग द रिकॉग्निशंस, कि भाई हमने उसको रिकॉग्नाइज किया,
अवार्ड दिया, सर्टिफिकेट दिया, देन उससे क्या होगा, वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा कि यस मैंने अगर अच्छा काम किया है तो लोगों ने मेरे काम की सराहना की, मेरे को अवार्ड मिला, रिस्पेक्ट मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला, तो वो बंदा मोटिवेट होगा और अच्छा काम करेगा। बट अगर हमने उसको क्या है अवार्ड नहीं दिया तो वो डीमोटिवेट नहीं हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि भाई मेरे को ये अवार्ड नहीं मिला, उसको अवार्ड मिला है, तो वो उससे डीमोटिवेट नहीं होगा, बट उसका जो परफॉर्मेंस है वो सस्टेन रहने वाला है, उतना ही रहने वाला है। सो इन दिस वे दिस आर द टू फैक्टर्स विच इज आइडेंटिफाइड बाय द हस्बर्ग्स एंड ही सेज बेस्ड ऑन दिस वी कैन मोटिवेट समवन। तो ये थियरी के बेसिस पे अगर किसी को मोटिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनी वन ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, हाइजीनिक फैक्टर्स को क्या है आपको, हाइजीनिक फैक्टर्स मेंटेन है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। यस सर, यस आंसर इज यस, कि अगर हाइजीनिक फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सही तरीके से नहीं होंगे, तो क्या होगा, बंदा डीमोटिवेट होगा। सो द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थियरी इज दैट वी नीड टू बीइंग अ मैनेजर्स वी नीड टू taken care that all these hygienic factors must be present in a working environment, ki bhai wo sahi tarike se working environment ke andar present hone chahiye, so that it will protect the particular employees from demotivations, dissatisfactions, ki agar wo sahi tarike se present hai to wo workplace pe employees ko demotivate hone se rokega. This is first point. And second point is that the motivator factors will be using by you as and when you want to motivate someone. कि जब आप किसी को motivate करना चाहते हो, encourage करना चाहते हो, तो उस time पे आप ये सारे क्या है intrinsic factors जो है उसको आप use कर सकते हो। अगर आप particular employees अच्छा काम कर रहा है और उसको और motivate करना चाहते हो, तो आप उसको award दोगे, promotions दोगे, सैलरी इंक्रीमेंट दोगे, उसको और ज्यादा अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, कि जिसके माध्यम से वो बंदा क्या है मोटिवेट होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो दीज आर द टू थिंग्स विच यू कैन डू, वन हाइजीनिक फैक्टर्स को मेंटेन रखना है और दूसरा मोटिवेटर फैक्टर्स को यूज करना है एज एंड व्हेन यू वांट टू मोटिवेट समवन। तो दिस इज अबाउट द हस्बर्ग्स टू फैक्टर्स थियरी। लेट मी जस्ट समराइज थर्ड थियरी, अभी स्टार्ट नहीं करते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट्स। तो दोनों थियरीज क्विकली हम समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्या बोला हमने, आज दो थियरीज हमने डिस्कस किया, फर्स्ट मास्लोज नीड हायरार्की थियरी, कि जहां पे क्या है मास्लोज ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कि भाई कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या ह्यूमन बीइंग है उसकी नीड्स को अगर आपको डिवाइड करना है देन आप 5 कैटेगरीज में उसकी नीड को डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर क्या होगा कि भाई बीइंग अ वन ह्यूमन बीइंग वो उसकी जो नीड्स अनफुलफिल्ड है वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो बंदा अपनी एफर्ट्स लगाता होगा। तो मैनेजर के रूप में आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन से लेवल पे है, उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे आपको उसको ट्रीटमेंट देनी है, उसको आपको रास्ता दिखाना है, समझाना है कि भाई वो क्या करेगा कि जिसके माध्यम से उसकी जो अनफुलफिल्ड नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। So that is the things which you need to do as a manager. So हमें recognize करना है कि भाई वो primary पे है, secondary पे है, social पे है, esteem पे है या self actualization पे है, और हमें उसको help करनी है, रास्ता दिखाना है कि भाई वो क्या करेगा, कैसे करेगा, अपनी efforts को कौन से directions में लेके जाएगा, so that उसकी वो need fulfill हो जाए। Second theory हमने देखा, that is Herzberg's two factors theory, कि जहां पे हमने डिस्कस किया कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई रिसर्च किया और रिसर्च के माध्यम से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई दो प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि भाई बंदा मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है, सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है। कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई सर्वे में से मालूम पड़ा कि भाई हाइजीनिक फैक्टर्स दैट इज एट्रिंसिक फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स है, कि भाई वो बंदा वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो वो फैक्ट्री के अंदर उसके आजू बाजू में जो चीजें है एस्ट्रिंसिक पार्ट है कि जो उसके कोर जॉब से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, बट फिर भी क्या होगा वो सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करने वाली है कि भाई उसका सुपरवाइजर कैसा है,
बाकी के जो कलीग्स है उसके साथ उसकी कैसी बनती है, उसको वर्किंग कंडीशंस कैसी है, अच्छी है या नहीं है, वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस है या नहीं है, सैलरी कितनी मिलती है, टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती है, उसके पीयर्स, सबॉर्डिनेट्स, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें क्या है, एक्सट्रिंसिक पार्ट है, इनडायरेक्टली जॉब से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली जॉब से जुड़े हुए हैं। और ये सारे फैक्टर्स अगर सही तरीके से नहीं होंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे को सैलरी ऑन टाइम नहीं मिलती है, मैंने पूरा महीना अच्छी तरीके से काम किया बट फिर भी क्या है, सैलरी मेरे को कभी 5 तारीख को मिलती है, कभी 10 तारीख को मिलती है, कभी 15 तारीख को मिलती है, तो क्या होगा, आई विल बी डिससेटिस्फाइड, आई विल बी डीमोटिवेटेड कि यार ये कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, सभी मशीन्स के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या फील करूँगा कि यार यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, मेरा स्टेटस क्या है, टेम्पररी है, देन आई माइट फील कि यार कभी भी मेरी जॉब जा सकती है। तो अगर ये हाइजेनिक फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, बंदा डीमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाइड होगा और उसकी इम्पैक्ट उसके काम के ऊपर आएगी। तो हमें क्या करना है, ये हाइजेनिक फैक्टर्स को मेंटेन करना है। और दूसरा फैक्टर्स उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, मोटिवेटर फैक्टर्स, कि जो पर्टिकुलर जॉब से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और अगर वो चीज़ आप यूज़ करोगे तो उसके माध्यम से आप वो बंदे को मोटिवेट कर पाओगे, उसके परफॉर्मेंस को एनहेंस कर पाओगे। तो हाइजेनिक फैक्टर्स को मेंटेन करना है, मोटिवेटर फैक्टर्स को यूज करना है एज एंड व्हेन यू वांट टू मोटिवेट समवन। तो दिस इज अबाउट द हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर्स थियरी। चलिए, सो हियर विद दिस आई